हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एकदम अलग तरह का ब्रेकफास्ट रेसिपी बता रही हूँ जो खाने में हेल्दी तो है ही और टेस्टी भी है। सब कोई पसंद से खाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सोया चंक्स ली हूँ, छोटा बड़ा दोनों मैं मिक्स करके ली हूँ। ठीक है, इनको 2 से 3 घंटा हल्का नीम गर्म पानी में हम फुला लेंगे। उसके बाद पानी अच्छे से निचोड़ के एक वॉश कर लेंगे। ठीक है, एक बार सोया चंक्स को इसको फाइन पेस्ट करेंगे हम ग्राइंडर में। थोड़ा पानी डाल के फाइन पेस्ट करके फिर मैं दिखाती हूँ। अब हम देखिए इतना ही पेस्ट करेंगे हम। ठीक है, अब इसी पेस्ट में जितना मैं 1 कटोरी ली हूँ सोया चंक्स, तो वैसे ही 1 कटोरी मैं बथुआ का साग ली हूँ। धो के अच्छे से इसको वॉश कर ली हूँ अच्छे से, ज़रा भी गंदगी नहीं है। अब इसको भी इसमें डाल के हम फाइन पेस्ट करेंगे। एकदम सेम क्वांटिटी लेना है, मेजरमेंट एकदम सेम रहेगा। जितना चंक्स रहेगा उसी कटोरी से आप ये बथुआ भी पीसेंगे हम इसमें। अब इसको भी हम अच्छे से फाइन पेस्ट कर लेंगे, सोया चंक के साथ ही पीस लेंगे अच्छे से। पेस्ट करके फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से बथुआ और हमारा सोया चंक्स पीस किया। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे, बड़े बाउल में निकालेंगे। अब हम इसमें आटा डालेंगे। मैं ये हेल्दी बता रही हूँ ब्रेकफास्ट, इसलिए मैं आटा डाल रही हूँ। आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन हेल्दी बनाने के लिए मैं आटा ही डाल रही हूँ। लगभग 1.5 कटोरी इसमें आटा डालूँगी। फिर हरी मिर्च की जो चटनी होती है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च और धनिया पत्ती, वो डालूँगी। आपको जितना तीखा खाना उसी हिसाब से आप डालें। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें बेसन डालूँगी, सॉरी 1/2 टीस्पून नहीं, 2 टीस्पून इसमें बेसन डालेंगे। इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। पहले एक बार मिक्स करेंगे, उसके बाद ही अगर पानी की ज़रूरत महसूस होगा तब पानी हम डालेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। लगभग 1/2 टीस्पून जाएगा नमक। और अब 1/2 कटोरी में इसमें पानी डाल के चीला का बैटर जैसे बनता है उस तरह से हम बना लेंगे अच्छे से। हमारा बैटर इतना लिक्विड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं हो, सेमी लिक्विड होगा। अब हम एक तवा चाहे फ्राई पैन लेंगे, उसको गर्म करेंगे। 1 टीस्पून उसमें रिफाइंड ऑयल चाहे मस्टर्ड ऑयल, जो आपको मन वो डाल दें। हमारा तवा गरम हो चुका है। अब इसमें हम छोटा छोटा चीला बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा बनाएंगे, पतला पतला। एक लगभग चम्मच हम डालेंगे इसमें। मीडियम टेम्परेचर में तवा रखिएगा। इस तरह से हम फैला लेंगे अपना चीला और लो टेम्परेचर अब कर देंगे। जब एक साइड सिक जाए तब हम पलट के दूसरे साइड भी सेक लेंगे। लगभग 1 मिनट हो गया है हमारा चीला डाले हुए एक साइड। अब हम इसको पलट देंगे। पकने का क्या क्या साइन है, देखिए छोटा छोटा बबल्स आता है तो समझ में आ जाता है कि एक साइड पक चुका है। अब हम इसे टर्न कर देंगे, इस तरह से हम फ्लिप कर देंगे। अब दूसरे साइड भी हल्का सा प्रेस कर देंगे। आप चाहे तो तेल डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। एकदम हेल्दी और टेस्टी हमारा चीला बन जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये एकदम नया रेसिपी, अभी तक किसी भी ने भी इसे नहीं बताया। 1 से 2 मिनट बाद हम इसे वापस अपने प्लेट में निकाल लेंगे, एकदम बन के तैयार हो जाएगा। अगर मेरा ये शेयरिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चीला फटाफट से बन जाता है, अब बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में। इसे प्लेट में निकाल लेंगे, हमारा चीला बनके एकदम तैयार है। एक और चीला मैं बना के दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, हरी चटनी से, मेयोनीज से, केचप से, या टमाटर की खट्टी मीठी चटनी रहता है उससे भी खा सकते हैं। इसी तरह से मैं एक और बना के दिखा फैला लूँगी।
एक साइड से हमारा सिक गया, अब हम इसे धीरे धीरे करके पलट लेंगे। फिर साइड साइड से आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा तेल डाल सकते हैं, चाहे रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं हल्का हल्का, और धीरे धीरे एक दो बार प्रेस कर लें ताकि अच्छे से कुक हो जाए हमारा, कच्चा ना रहे चीला। फटाफट से बन के तैयार हो जाता, सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट रेसिपी है। आप चाहे तो बच्चों का लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप अगर इसे जल्दी से कुक करना चाहते हैं तो ढक के भी बना, जल्दी कुक हो जाता और जल्दी होता है। लीजिए हमारा फटाफट से हेल्दी और टेस्टी न्यूट्रिशियस चीला बन के तैयार है। सोया चंक्स है हमारा, ये है बथुआ साग है, और बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये चीला बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा बना के।